कि एक वॉल्यूम ऑफ गुड्स जो फॉर्म या फिर इंडस्ट्री प्रोड्यूस करे एक स्पेसिफाइड ऑफ़ टाइम में प्रोडक्ट या फिर आउटपुट बेसिकली हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि प्रोडक्शन क्या होता है जब हम इनपुट को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं आउटपुट में डेट इज प्रोडक्शन फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने देखा था कि फॉर एग्जाम्पल मैं एज ए इनपुट यूज कर रही हूं वुड को और वुड को मैंने ट्रांसफॉर्म कर दिया वुडन चेयर में तो मेरे पास क्या आ गया प्रोडक्ट आ गया आउटपुट आ गया वो वुडन चेयर क्या हो गई प्रोडक्ट या आउटपुट हम कह सकते हैं उसको कि इनपुट को जब मैं ट्रांसफॉर्म कर दूँ आउटपुट में दैट इज़ प्रोडक्ट या आउटपुट तो प्रोडक्ट या आउटपुट को अगर मैं बोलूँ तो वॉल्यूम ऑफ गुड्स कितने वॉल्यूम हमने गुड्स का प्रोडक्शन करा एक फॉर्म ने या फिर एक इंडस्ट्री ने ड्यूरिंग एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम में टोटल प्रोडक्ट तो को, को और क्या बोलते हैं हम टोटल फिजिकल प्रोडक्ट अब ये फिजिकल वर्ड हमने प्रीवियस क्लास में भी देखा था जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी प्रोडक्शन फंक्शन की प्रोडक्शन फंक्शन क्या है एक टेक्निकल रिलेशन होता है बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड आउटपुट जब हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं ना प्रोडक्शन की वो फिजिकली बेसिकली हम उन गुड्स की बात कर रहे हैं उन गुड्स का प्रोडक्शन करें जिन क्या है टेंजिबल है जिनको हम टच कर सकते हैं फिजिकली उनकी एग्जिस्टेंस है तो क्या है यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो फिजिकल प्रोडक्ट की बात करें ना कि इनटेंजिबल प्रोडक्ट की तो टोटल प्रोडक्ट को हम टोटल फिजिकल प्रोडक्ट भी बोलते हैं एंड टोटल रिटर्न भी बोलते हैं अब ये रिटर्न क्यों बोल रहे हैं हम बेसिकली एक फर्म जो भी प्रोडक्शन करती है जो भी उसने इनपुट को आउटपुट में चेंज कराया ट्रांसफॉर्म करा अब जो आउटपुट उसके पास निकल के आए बेसिकली वो रिटर्न ही तो निकल के आया उसको सेल करके उसके पास इनकम ही तो आएगी कि जो इनपुट उसने लगाया जो उसकी कॉस्ट लगी एंड जब उसने ट्रांसफॉर्म कर दिया उसको आउटपुट में अब उस आउटपुट को अल्टीमेटली सेल करके उसके पास रिटर्न आना है तो टोटल प्रोडक्ट को मैं टोटल रिटर्न भी तो बोल सकती हूँ एंड टोटल आउटपुट भाई टोटल कितना आउटपुट निकला मेरा इनपुट को आउटपुट में ट्रांसफॉर्म तो करते हैं हम डेट इज प्रोडक्शन कहलाता है तो टोटल प्रोडक्ट को हम टोटल फिजिकल प्रोडक्ट टोटल रिटर्न या टोटल आउटपुट भी बोल सकते हैं तब बात करते हैं डेफिनेशन की टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस बाय अ फॉर्म ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम विद गिवन नंबर ऑफ इनपुट्स कि टोटल प्रोडक्ट या टोटल फिजिकल प्रोडक्ट या टोटल रिटर्न या टोटल आउटपुट क्या है टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स जो कि एक फर्म प्रोड्यूस करे गिवन पीरियड ऑफ टाइम में गिवन नंबर ऑफ इनपुट्स के साथ गिवन नंबर ऑफ इनपुट के साथ जो भी टोटल क्वांटिटी प्रोड्यूस करे एक फर्म ने गिवन पीरियड ऑफ टाइम में डेट इज टोटल प्रोडक्ट एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं बेसिकली यहाँ पर जो एग्जाम्पल ले रहे हैं हम मानकर चल रहे हैं शॉर्ट रन कि शॉर्ट रन में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल फैक्टर में प्रोडक्शन बढ़ाना है तो मेरे पास तो इनफ टाइम नहीं होता कि मैं फिक्स फैक्टर को भी चेंज कर सकू तो इसलिए मेरे को सिर्फ वेरिएबल फैक्टर बढ़ाने होते हैं तो यहाँ पर हम शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं तो शॉर्ट रन में क्या होगा फिक्स फैक्टर हमारा क्या है लैंड जो कि क्या वन पीस ऑफ लैंड क्या रहेगी हमारी कांस्टेंट रहेगी वन 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 लैंड जो है पीस का वो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि उसमें चेंज नहीं आएगा क्योंकि शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं अब प्रोडक्शन हमें बढ़ा तो वेरिएबल फैक्टर को चेंज ला सकते हम वेरिएबल फैक्टर में चेंजेस लाएंगे तो वेरिएबल फैक्टर हम लेकर चल रहे हैं क्या लेबर कि लेबर जो है हम इंक्रीज करते जा रहे हैं जीरो वन टू थ्री अब बात करते हैं आउटपुट आउटपुट हम लेकर चल रहे हैं राइस का इन के प्रोडक्शन हो रहा है देन बात करते हैं टोटल प्रोडक्ट की टोटल तो आउटपुट कितना आ रहा है जीरो आ रहा है कि फॉर्म कुछ प्रोड्यूस ही नहीं कर रही है भाई मेरे पास एक पीस ऑफ लैंड पड़ा है उस पर काम करने वाला ही नहीं है तो प्रोडक्शन भी तो जीरो होगा तो टोटल प्रोडक्ट भी क्या होगा जीरो होगा आउटपुट ही जीरो टोटल प्रोडक्ट भी जीरो होगा देन भाई वही फिक्स फैक्टर कॉन्स्टेंट रहेगा ठीक है थीका? जब मैं एक लेबर लगा दू उस पीस ऑफ लैंड में जब मैंने एक लेबर लगा दिया तो उस एक लेबर ने कितने राइस का प्रोडक्शन करा टेन के जी राइस का प्रोडक्शन करा तो एक फॉर्म ने क्या करा इनपुट्स का यूज करके इनपुट्स क्या एक पीस ऑफ लैंड और एक लेबर का यूज करके कितना प्रोडक्शन करा टोटल टेन के जी राइस का प्रोडक्शन करा तो टेन के जी क्या हो गया हमारा टोटल प्रोडक्शन टेन आ जाएगा हमारा देन वन पीस ऑफ लैंड पर मैंने एक और लेबर बढ़ा के दो लेबर लगा दिए अब दो लेबर काम कर रहे हैं उस पर तो अब प्रोडक्शन जो है इंक्रीज हो गया हो गया ट्वेंटी के जी राइस तो टोटल अब फॉर्म ने कितना प्रोडक्शन करा नंबर ऑफ इनपुट्स का यूज करके एक लैंड और दो लेबर का यूज करके प्रोडक्शन करा ट्वेंटी के जी राइस का ट्वेंटी टीपी आ गया हमारा देन भाई एक पीस ऑफ लैंड पर मैंने तीन लेबर लगा दिए अब तीन लेबर जो है प्रोडक्शन कर रहे हैं सिक्सटी के जी राइस का तो प्रोडक्शन हो गया हमारा टोटल सिक्सटी तो टोटल प्रोडक्ट क्या होगा हमारा कि नंबर ऑफ इनपुट्स का यूज करके टोटल कितनी क्वांटिटी का प्रोडक्शन करें एक फॉर्म एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम में देन बात करते हैं एवरेज प्रोडक्ट नेम से पता चल रहा है एवरेज एवरेज क्या होता है गाइस इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में एवरेज का मतलब क्या होता है बराबर बराबर होता तो कितना होता कि मान लो मेरे पास टेन चॉकलेट है और दो पर्सन है मेरे को उन दोनों पर्सन में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है तो मैं क्या करूँगी टेन चॉकलेट को टू से डिवाइड कर दूंगी फाइव फाइव चॉकलेट ईच पर्सन दे दूंगी तो बराबर डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं हम किसी भी चीज़ का दो वो कहलाता है एवरेज एवरेज का मतलब बराबर बराबर होता तो कितना होता तो बात करते हैं एवरेज प्रोडक्ट की एवरेज प्रोडक्ट सेम हम एवरेज प्रोडक्ट को एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं वो हम देखे चुके हैं एवरेज रिटर्न और एवरेज आउटपुट भी बोलते हैं एवरेज प्रोडक्ट रिटर्न क्या है आउटपुट कि पर आउटपुट इनपुट पर यूनिट पर हम यहां पर निकालते हैं एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं टीपी हमारा क्या है भाई जीरो ट्वेंटी सिक्सटी इंक्रीज होता जा रहा है जैसे ही हम वेरिएबल फैक्टर जो है लेबर जो है जीरो वन टू थ्री इंक्रीज करते जा रहे हैं अब पर

वेरिएबल फैक्टर भी जीरो है तो पर जो पर यूनिट प्रोडक्शन हुआ है वो भी जीरो ही होगा भाई कोई है हाँ ही नहीं काम करने वाला तो ए पी भी जीरो देन टोटल प्रोडक्ट हुआ हमारा टोटल प्रोडक्शन हुआ टेन के राइस का और एक हमारा क्या है वेरिएबल फैक्टर लेबर है तो एवरेज कितना हुआ टेन टेन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भाई एक ही पर्सन है टेन के जी राइस का प्रोडक्शन कर रहा है तो भाई टेन के जी ही रहेगा उसमें तो कुछ चेंज आएगा नहीं देन बात करते हैं टोटल प्रोडक्शन हुआ है ट्वेंटी के जी का दो लेबर हैं तो अब हम बात करते हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एवरेज की पर या पर लेबर ने कितना काम करा कितना production करा, तो क्या होगा प्रोड्यूस 10, 10 करा, दो करा, करा दोनों का मिलाकर टीपी हमारा आया ट्वेंटी ठीक है क्योंकि टीपी क्या होता है टोटल एवरेज क्या होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट हम निकालते हैं हमने बात करी पर यूनिट देन टोटल प्रोडक्ट सिक्सटी है वेरिएबल फैक्टर थ्री है देन हमारा आ गया ट्वेंटी कि तीन हमारे लेबर है पर per पर्सन जो है पर लेबर जो है प्रोडक्शन कितना हुआ ट्वेंटी के जी राइस का हुआ पर यूनिट हम निकालते हैं पर लेबर ने कितना प्रोडक्शन करा ट्वेंटी ट्वेंटी के जी राइस का प्रोडक्शन करा दैट इज एवरेज प्रोडक्ट देन बात करते हैं मार्जिनल गाइज मार्जिनल वर्ड जब भी इकोनॉमिक्स में आ जाए तो उसका मतलब क्या होता है एडिशनल कि जब मैं एक एडिशनल यूनिट लगाऊं तो कितना प्रोडक्शन हुआ जब मैं एक एडिशनल यूनिट लगाऊं वेरिएबल फैक्टर की तो कितना एडिशन हुआ टोटल प्रोडक्शन में डेट इज मार्जिनल प्रोडक्ट मार्जिनल प्रोडक्ट को भी हम मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट मार्जिनल रिटर्न मार्जिनल आउटपुट बोलते हैं डेफिनेशन क्या है एडिशन टू टोटल प्रोडक्ट जैसे मैंने बताया ही कि एडिशन कितना हुआ टोटल प्रोडक्ट में जब वेन वन मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज एम्प्लॉयड कि जब मैं एक और वेरिएबल फैक्टर की यूनिट एम्प्लॉयड कर दूँ तो टोटल प्रोडक्शन में कितना इंक्रीमेंट हुआ कितना एडिशन हुआ डेट इज मार्जिनल प्रोडक्ट एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा हमारा जब एक एडिशनल यूनिट में बढ़ा वेरिएबल फैक्टर मतलब लेबर की इसको हम किस तरीके से निकालेंगे या तो हम निकाल सकते एम पी एन इक्वल होगा टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस वन के देन हम एम निकाल सकते हैं चेंज इन टीपी अपन में चेंज इन एन चेंज इन एन क्या होगा वेरिएबल फैक्टर्स की यूनिट्स में जो चेंज आया है ठीक है अगर तो हम बात करते हैं वेरिएबल फैक्टर जीरो है टोटल प्रोडक्शन भी जीरो है तो मार्जिनल प्रोडक्ट भी जीरो ही रहेगा उसमें कोई चेंज नहीं आएगा अब बात करते हैं भाई दोनों फॉर्मूले के थ्रू हम निकालना सीखेंगे ठीक है कि वेरिएबल फैक्टर क्या है वन कि एम पी वन का मेरे को निकालना है कि मार्जिल प्रोडक्ट जब मैंने वन लेबर लगाया तो कितना एडिशन हुआ टी पी में टी पी हमारा पहले कितना था जीरो था ठीक है देन बात करते हैं टी पी वन में से जब मैं माइनस कर दूंगी टी पी एन माइनस वन का मतलब क्या है जो टी पी वन लिया है इससे पहले वाली यूनिट मतलब टी पी जीरो टी पी जीरो तो टीपी वन मेरा कितना आया है भाई वन वेरिएबल फैक्टर पर टेन का प्रोडक्शन हो रहा था टेन और टी जीरो तो भाई मेरा जीरो था तो एम वन क्या हुआ टेन कि जब मैंने एक वेरिएबल फैक्टर लगाया तो मार्जिनल प्रोडक्शन कितना हुआ एडिशन कितना हुआ TP में कितना एडिशन हुआ भाई टेन का तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या 10 आएगा टेन आएगा सिमिलरली इस फॉर्मूले से भी हम एक बार देख लेते हैं MP क्या है चेंज इन TP पी कितना चेंज आया भाई जीरो से टेन में कितना चेंज आया टेन का चेंज आया जीरो से वन में कितने लेबर्स का चेंज आया वन का चेंज आया तो सेम टेन हमारा क्या आ जाएगा मार्जिनल प्रोडक्ट कितना एडिशन हुआ कि कितना चेंज आया कि जैसे ही मैंने वन यूनिट वेरिएबल फैक्टर की बढ़ाई तो टीपी में कितना चेंज आया कितना एडिशन हुआ टेन के जी राइस का एडिशन हुआ दैट इज मार्जिनल मार्जिनल मतलब एडिशन टू द प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं टोटल प्रोडक्ट की ठीक है दोनों फॉर्मूले से हमने देख लिया देन बात करते हैं जब मैंने सेकेंड लेबर लगाया सेकेंड लेबर लगाया तो भाई चेंज कितना आया वेरिएबल फैक्टर में वन का चेंज आया वन टी में कितना चेंज आया टेन से ट्वेंटी इंक्रीज़ हो गया मतलब टेन का चेंज आया तो अगेन हमारा एम क्या हुआ टेन हुआ जब मैंने एक और लेबर बढ़ाया वन से टू कर दिया तो उसने कितना प्रोडक्शन करा टेन के राइस का प्रोडक्शन करा देन बात करते हैं मैंने वेरिएबल फैक्टर जो है टू से थ्री इंक्रीज कर दिया चेंज आया वन का टी जो है ट्वेंटी से सिक्सटी इंक्रीज हो गया चेंज आया फोर्टी का तो अब एम कितना आया फोर्टी कि जब मैंने थर्ड लेबर लगाया उस थर्ड लेबर ने कितना प्रोडक्शन करा 40 के जी राइस का प्रोडक्शन करा एडिशन कितना हुआ 40 के जी राइस हुआ एडिशन टीपी में डेट इज मार्जिनल प्रोडक्ट अब थ्रू मार्जिनल प्रोडक्ट और थ्रू एवरेज प्रोडक्ट मैं कैसे टीपी निकाल सकती हूँ वो एक बार हम देख लेते हैं टीपी हम एवरेज के थ्रू कैसे निकालेंगे बेसिकली हमने यहां पर क्या करा टीपी को जब डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ यूनिट्स वेरिएबल फैक्टर की तो मेरा एवरेज निकल के आ रहा है तो अगर मैं इसका उल्टा कर दूँ तो मेरे को टीपी निकल के आ जाएगा ना तो ए पी से निकालते हम टी पी को ए पी क्या है हमारा ज़ीरो है वेरिएबल फैक्टर क्या है जीरो है तो टी पी क्या आएगा हमारा ज़ीरो आएगा देन ए पी क्या है हमारा टेन है वेरिएबल फैक्टर वन है तो टी पी क्या आएगा हमारा टेन आएगा देन बात करें अगेन हमारा एवरेज प्रोडक्ट क्या है टेन है वेरिएबल फैक्टर टू है तो टी पी आएगा हमारा ट्वेंटी देन एवरेज प्रोडक्ट हमारा ट्वेंटी है वेरिएबल फैक्टर थ्री है तो 60 हमारा टी आ गया तो इस तरीके से हम एवरेज प्रोडक्ट से क्या निकाल सकते हैं टीपी निकाल सकते हैं जब हम एपी को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर से ठीक है अब एमपी से कैसे निकालेंगे हम टीपी बेसिकली टीपी क्या होता है हमारा सिग्मा एमपी सम होता है एमपी का अगर मैं सम करूं एमपी का अगर मैं इसका सम करूँ तो कितना आएगा हमारा टेन टेन फोर्टी सिक्सटी तो बेसिकली हमारा टोटल प्रोडक्ट भी तो सिक्सटी आया जब तीन लेबर उन तीन लेबर ने जब एक लैंड पर काम करा तो सिक्सटी के जी राइस का प्रोडक्शन करा और मार्जिनल भी क्या है बेसिकली मैं की बात तो में हम मार्जिनल निकालते हैं कि एक एडिशनल लेबर ने कितना प्रोडक्शन करा तो जब मैं इसको एड कर दूंगी तो मेरे पास टीपी ही तो निकल के आएगा क्योंकि चेंज ही तो निकाल रहे थे टीपी का चेंज ही तो निकाल रहे थे हम मार्जिनल कि एडिशन कितना हुआ टीपी में डेट इज मार्जिनल तो अगर हम मार्जिनल का सम कर देंगे तो हमारे पास टीपी निकल के आ जाएगा सो so गाइज हमने आज पढ़ा प्रोडक्ट के बारे में टी पी ए पी एम पी के बारे में ये जो सारे कंसेप्ट है वो हमें हेल्पफुल करेंगे जब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे लॉ वेरेबल प्रपोर्शन सो गाइज़ आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में थैंक यू